हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्कैल्प सोरासिस के बारे में। अगर आपको स्कैल्प सोरासिस की शुरुआत हो चुकी है, स्कैल्प सोरासिस मतलब जो सोरासिस आपके हेड पार्ट में होता है, स्कैल्प में होता है या कानों के आसपास फैल जाता है या फोरहेड तक आने शुरू हो जाता है, हेयर लाइन तक कवर हो जाता है, कानों के अंदर घुस जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही मैं अपने पेशेंट की फ़ोटो शेयर करूंगी ताकि जितने भी स्कैल्प सोरायसिस से पीड़ित पेशेंट्स हैं उनको मदद मिल सके और उनको कॉन्फिडेंस मिल सके कि आप एक सफरिंग फ्री लाइफ जी सकते हैं, स्कैल्प सोरायसिस को हमेशा के लिए ठीक करा जा सकता है। दिस इज़ नॉट योर एंड, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने स्कैल्प सोरायसिस से लड़ने का, उसे ठीक करने का और जीने में थोड़ा मज़ा आने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप परेशान हो जाते होंगे खुजा खुजा के, जलन करके, बाल नहीं रख सकते सर पे, पसीने आते रहते हैं, ढंग से सो नहीं पाते, ढंग से कहीं जा नहीं पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, लो फील करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आज मेरे पेशेंट की फ़ोटोज से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेंगे और आप देखेंगे कि वो मेरे पास किस हालत में आए थे स्कैल्प सोरायसिस की और अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने उनका ट्रीटमेंट चला है और अभी 3-4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उनका क्या कंडीशन है और वो ऑलमोस्ट क्योर्ड हैं। तो उन्होंने हमारी गाइडेंस मानी है, हमसे ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिंस ली, डाइट फॉलो करा और अभी वो एकदम ठीक है, ही इज़ वेल, ही इज़ परफेक्टली फाइन, उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्कैल्प सोरायसिस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। स्कैल्प सोरायसिस मोस्टली पेशेंट में सिबोरिक डर्माटाइटिस के रूप में शुरू होता है, मीन्स उनको स्टार्टिंग में डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ। एक डैंड्रफ है नॉर्मल, आपको विंटर सीजन में हो रहा है, हल्का बहुत रूसी हो रही है बालों में, लेकिन वो इतना सीवियर हो जाए कि आप परेशान हो जाएं उससे और वो धीरे धीरे सोरायसिस में कन्वर्ट हो जाए, किसी भी इन्फेक्शन के चलते या इन्फेक्शन नहीं भी है तो भी वो कन्वर्ट हो जाता है सोरायसिस में। और सोरायसिस को पहचानना कैसे, स्कैल्प सोरायसिस को बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे थिकी स्केली इरप्शंस होंगे, रेड इचिंग आपको इन्फ्लेम्ड मिलेंगे और ऐसे चकत्ते से बन जाते हैं, गोल 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 या गोल नहीं भी हो सकते, डिफरेंट डिफरेंट डिफ्यूज फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर पे और आपके गर्दन, कान और यहाँ फेस पे और हेयर लाइन पे फैलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो स्कैल्प सोरायसिस इस रीज़न से शुरू हो सकता है, सिबोरिक डर्माटाइटिस की फॉर्म में शुरू हो सकता है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ या आपने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली जिससे आपकी बॉडी एलर्जिक हो गई या बॉडी ने अगेंस्ट अपने इम्यून सिस्टम को अटैक कर दिया या आपको सूट नहीं करा या आप बहुत स्ट्रेस में हैं, अल्कोहल में हैं, किसी भी कोई भी चीज़ अगर उसे ट्रिगर कर रही है और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, वो अपनी बॉडी से फाइट नहीं कर सकता और अपनी बॉडी को ही अटैक करेगा तो ये डेवलप हो जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये डेवलप हो भी रहा है तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। एंड येस ऑफकोर्स ये जेनेटिकली भी चला आता है, अगर आपके फादर फोर फादर्स उनके फोर फादर्स को हुआ है तो कभी ना कभी किसी जनरेशन में ये आपको भी दिख सकता है या आपकी आने वाली जनरेशन में दिख सकता है। इट डिपेंड्स कि वो कौन सी फॉर्म में है और कौन सी जनरेशन में ये शो हो रहा है। और अब अगर स्कैल्प सोरायसिस की शुरुआत है, जस्ट इनिशियल स्टेज है, बिगिनिंग स्टेज है, तो आप कुछ टिप्स मैं दूंगी, वो टिप्स फॉलो करके उसको कम कर सकते हैं और अपनी इचिंग, जलन और अनइजीनेस और जो भी इरिटेबिलिटी है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी टिप आएगी वो आएगी, अगर आपको स्कैल्प सोरायसिस होना ही स्टार्ट हुआ है, ये इतना नहीं बढ़ा है, तो आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। आप एलोवेरा को सर पे रगड़ सकते हो और उसको छोड़ सकते हो आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे के लिए और सर वॉश कर सकते हो, हेड वॉश कर सकते हो, उससे जो इन्फ्लेमेशन है और इचिंग है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट आप एप्पल सिडर विनेगर यूज़ कर सकते हो, उससे भी क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है तो जो भी इन्फ्लामेशन और इचिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी। और एक बहुत ही ख़ास चीज़ का मैं नाम लूँगी, मैं लूँगी ओट मील बाथ। ये मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट भी किया है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ओट मील बाथ, इसमें आपको रॉ
ओट्स लेने हैं, उनको ल्यूक वार्म वाटर या टू नॉर्मल वाटर में भिगो के रखना है 15-20 मिनट, और उस पानी में अपना हेड वॉश करना है, या उस हेड रीजन को जहाँ पर भी सोरासिस डेवलप हो रहा है उसको आप सोक करके रख सकते हैं 20 मिनट 25 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद पानी से वॉश कर सकते हैं। तो ये ओटमील बात होती है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपने ओट्स में, जब आप रॉ ओट्स ले रहे हैं तब आप उसमें एलोवेरा भी मिक्स कर सकते हैं, दोनों मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। इससे जितनी भी इन्फ्लेमेशन और खुजली हो रही है, जो परेशानी दे रही है आपको, वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मेरी ये टिप होगी कि आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। आप ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ स्पून बेकिंग सोडा की लीजिए और उसको पानी में मिक्स करिए, और देन अपने स्कैल्प पे मसाज करते हुए आधे घंटे 45 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो उससे जितनी भी इन्फ्लेमेशन और जितनी भी खुजली है और जितनी भी स्क्रैपिंग स्केल्स होते हैं जो झड़ जाते हैं, वो आपके झड़ जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को अपना के अगर आपका स्कैल्प सोरासिस शुरुआती तौर पर है, ठीक कर सकते हैं और इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। ये बेसिकली आपको अंदर से क्योर नहीं देगा, बट यस, ये थोड़े से एप्लीकेबल्स हैं, थोड़ी सी टिप्स हैं जो आपको खुजली और इन्फ्लेमेशन से, जलन से राहत दे देगी। लेकिन स्कैल्प सोरासिस भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में ही आ रहा है, तो ज़रूरी है कि इसको आप जड़ से ख़त्म करें। ये आप जितनी देर अप्लाई करेंगे उतनी देर ही राहत मिलेगी आपको, उसके बाद ये दोबारा से अपनी सेम कंडीशन पे आ जाएगा और उतना ही आपको पेन देगा। तो इसको साथ साथ अंदर से करेक्ट करने की भी इक्वली ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टिप्स हैं ये मैंने आपको राहत पाने के लिए, थोड़े टाइम आपको राहत मिल जाए, थोड़ा पेन कम हो जाए या जलन खुजली कम हो जाए या इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, उसके टिप्स दिए हैं। लेकिन अगर आपको इसको अंदर से ठीक करना है, जड़ से इलाज चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक परमानेंट क्योर पा सकते हैं। क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, बेसिकली जब तक वो करेक्ट नहीं होगा तब तक ऑब्वियसली ये बीमारी आती जाती रहेगी। जब तक आप अप्लाई करोगे तब तक ठीक रहेगा, और स्टीरॉइड्स इसका सोल्यूशन नहीं है। स्टीरॉइड्स आपका लीवर, किडनी और भी बॉडी पार्ट्स को ख़राब करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, तो सप्रेशंस देगा, तो ये इसका सोल्यूशन परमानेंट नहीं है। आपको एक क्योर की ज़रूरत होती है, एक अच्छे इलाज की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप अपनी पिक्चर्स हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और मुझसे खुद आके क्लिनिक पे मिल सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके मिलने आइए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, क्योर लीजिए, परमानेंट सोल्यूशन लीजिए, और हम आपको सफ़रिंग फ्री लाइफ का प्रॉमिस करते हैं। और आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। आप हमें कंसल्ट करें, कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, इमेजेस भेजें, डॉक्टर से बात करें और इसका एक सोल्यूशन लें, परमानेंट क्योर लें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।